दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार, पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है मेडिसिन को लेके, उस पर अभी तक हमने 4 वीडियो पब्लिश करी हैं, चारों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, और चारों ही अनिवार्य किसी भी अच्छे फिश फार्मिंग के लिए। उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज ये मैं 5 वीडियो आपको लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है जियोलाइट। आपने बहुत ही कॉमन वर्ड और बहुत ही लोगों से, बहुत ही एक्वा कंसल्टेंट ट्रेडर से सुना होगा जियोलाइट, और बहुत बार हम बड़े ही कॉमनली यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरे एक्वा कल्चर में जैसे कि वाटर के 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं कि पीएच मेंटेन करो, अमोनिया मेंटेन करो, डिजोल्ड ऑक्सीजन मेंटेन करो। तो जहाँ पे ये वर्ड आते हैं वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं जियोलाइट का वर्ड बहुत जरूर सुना होगा। तो दोस्तों जियोलाइट के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे थे जियोलाइट के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जियोलाइट का क्या केमिकल कंपोजिशन है, हम क्यों यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करते हैं। अगर हमें ये मेन 3 चीज़ें नहीं पता तो हमें किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जियोलाइट हमारा मेनली आपका पाउडर फॉर्म में भी आता है और ग्रेनुल्स फॉर्म में भी आता है। पाउडर फॉर्म में थोड़ा चीप कॉस्ट पड़ती है, ग्रेनुल्स में थोड़ा महंगा आता है। तो उसी रेशो में हम क्या करते हैं, जो ग्रेनुल्स रहते हैं, जैसे हम अपने एग्रीकल्चर में नॉर्मल यूरिया ब्रॉडकास्ट करते हैं, अपनी वाटर बॉडी में जो ग्रेनुल्स रहते हैं हम उसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। पाउडर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी 200 केजी का ड्रम लेते हैं, उसमें अपनी एज पर रिक्वायरमेंट, वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सटेंसिव फार्मिंग करी है, इंटेंसिव फार्मिंग करी है। अगर आपने एक्सटेंसिव फार्मिंग करी, एक्सटेंसिव मीन्स कि हमारी लोड जो डेंसिटी है वो कम है, जैसे कि हमारी कार्प्स की होती है, तो हम 10 से 20 केजी पर एकड़ हम यूज़ करते हैं। अगर आपने इंटेंसिव फार्मिंग यूज़ करी है, हम तो 30-40 केजी तक पर एकड़ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कुछ वीडियोस में हम चर्चा कर रहे हैं कि जब मछली इनिशियल लेवल पे, स्मॉल साइज पे, या आप ऐसा समझिए 1 से 100 ग्राम, 200 ग्राम तक, हम उसकी इम्यून स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम उसको आपके एनर्जी बूस्टर्स देते हैं, लीवर टॉनिक्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं। ऐसी जब मछली आपकी 400-500 ग्राम की हो जाती है तो वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे मेडिसन हम मिनिमाइज कर देते हैं और जियोलाइट हम अपनी वाटर बॉडी में इंक्रीज कर लेते हैं। उसका मेन पर्पस क्या है, जैसे जैसे मछली का साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो इंटेक ज़्यादा करती है, दाना ज़्यादा खाती है, और जब ज़्यादा दाना खाती है तो एक्सक्रीटा या पोटी भी ज़्यादा रिलीज करती है। तो मेरे वाटर बॉडी में क्या होता है कि आपका अमोनिया लेवल इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन डाला, ज़्यादा खाना खाया है, उसी रेशो में एक्सक्रीटा भी ज़्यादा निकला है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 400-500 ग्राम की होती है, हम इनिशियली पहले उसको मंथली हम जियोलाइट यूज़ करते रहेंगे, देन रिड्यूस करके 20 डेज पे ले आएंगे, देन फोर्टनाइटली 15 दिन में ले आएंगे, देन वीकली ले आएंगे। जब 700-800 ग्राम की हो जाए और आपका अमोनिया बन रहा है और आपने हाई डेंसिटी में करा है, एक्सटेंसिव डेंसिटी में तो हम कम जियोलाइट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हाई डेंसिटी में हम जियोलाइट यूज़ करते हैं तो हम वीक में 2 बार भी यूज़ करते हैं अगर मेरा अमोनिया लेवल हाई हो गया है। मेनली जियोलाइट्स में आपका सिलिकन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और दोनों ही 80% तकरीबन रहते हैं, बाकी रेस्ट में, बाकी 20% में अदर स्टफ मटेरियल रहता है। दोनों ही मेन काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल एनहांस करते हैं। जैसे एक्सक्रीटा हमारा बॉटम में नीचे एक्यूमुलेट होता रहता है वाटर बॉडी के, जितना हम उसे ऑक्सीजन रिच रखेंगे उतना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो दोस्तों हमें जैसे जैसे फिश का साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम जियोलाइट उसी रेशो में इंक्रीज कर देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करना टू मेंटेन द अमोनिया। क्योंकि आपकी छोटी फिश की मोर्टलिटी होती है तो भी परेशानी का तो है प्रॉब्लम, लेकिन जैसे जैसे फिश अगर बड़ी होके आपकी 800 ग्राम, 900 ग्राम की ड्यू टू अमोनिया मर रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जियोलाइट आपके फॉर्म पे हमेशा तकरीबन 100-200 केजी, अगर आप 6-7 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको ये रखना चाहिए।
ये सारी जब मैं पूरी सीरीज कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको हर एक की कॉस्ट भी पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा आपकी मैक्स टू मैक्स 5 रुपीज़ ही आपकी कॉस्ट टच नहीं करती। और आपने वाटर क्लीन रखा, मछली का हैबिटेट क्लीन रखा, ऑक्सीजन रिच रखा, अमोनिया नहीं बनने दिया। अगर ये सब हम एक्टिविटी करेंगे तो मछली ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रोथ करेगी। जब हम जियोलाइट यूज़ करते हैं तो जो बॉटम की स्लज रहती है उसको वो क्लीन कर देता है, पूरी वाटर बॉडी को क्लीन और क्लियर कर देता है, आपके टॉक्सिस गैसेस को बनने नहीं देता, हार्मफुल गैसेस को मिनिमाइज रखता है, जैसे कि अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, आपकी जो टर्बिडिटी रहती है पानी की उसको डिक्रीज कर देता है, डीओ लेवल को इंक्रीज कर देता है। पैरेलली आपके जो दोस्तों जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है अगर हम जियोलाइट प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। जो बॉटम स्लज है उसको रिमूव कर देता है, आपकी वाटर बॉडी के इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है जिससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। ये आपका बायोलॉजिकल ऑन डिमांड ऑक्सीजन और केमिकल ऑन डिमांड ऑक्सीजन दोनों को मेंटेन या दोनों को बोलेंगे रिड्यूस कर देता है। अगर आपने, क्योंकि मछली का जल की रानी है और उसका हैबिटेट पानी है, तो अगर आपने पानी को क्लीन रख लिया, अगर अमोनिया नहीं बनने दिया, और अमोनिया के मेन ही दो सोर्स है, या तो आपका फीड पार्ट या उसका एक्सक्रीटा पार्ट, जो एक्सक्रीटा पार्ट है वही हमारा बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है और उसी के लिए हम जियोलाइट यूज़ करते हैं। दोस्तों हम उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपने वाटर बॉडी में कोई सी भी फिश कर रहे हो, हम कम से कम 15 दिन में एक बार फॉल्स नेटिंग करें। फॉल्स नेटिंग पे एक मेरे किसी फ्रेंड ने कमेंट भी किया कि उसे मैंने फिर डिस्क्राइब भी किया फॉल्स नेटिंग। फॉल्स नेटिंग वेरी सिंपल, आपको अपनी वाटर बॉडी के दोनों एजिस पे एक कॉमन रस्सी लेनी है और उसमें कुछ ब्रिक्स बांध के हमें सिंपली क्या करना है, जो बॉटम है उसमें टर्बुलेंस क्रिएट कर देनी है, उसकी जो मट्टी है उसको हिला देना है, तो जितने भी वहाँ पे हार्मफुल गैसेज इकट्ठा हुई हैं वो सब निकल जाएंगी, क्योंकि गैसेज सबसे लाइट होती हैं। तो ये एक्टिविटी अगर आप फोर्टनाइटली कर रहे हो तो आप अपनी अमोनिया को मेंटेन रख पा रहे हो, जियोलाइट मिनिमम यूज़ करेंगे तो। लेकिन इन सब के लिए आपको रेगुलर वीक में कम से कम 2 बार, जैसे जैसे आपका ग्रो आउट बढ़ता रहे, डेज ऑफ कल्चर इंक्रीज होते रहे एक्वाकल्चर में, तो आप वाटर पैरामीटर जरूर मेजर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तब यूज़ करनी है जब आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी ऑक्सीजन टैबलेट्स हो, चाहे आपके ग्रैनुलर जियोलाइट्स हो। तो दोस्तों ये जो जियोलाइट्स रहते हैं पाउडर फॉर्म में और ग्रैनुलर फॉर्म में आते हैं। दोस्तों ग्रैनुलर फॉर्म में ऐसे होते हैं, जो ग्रैनुल्स रहते हैं जियोलाइट के, ये कॉस्टली आते हैं पाउडर फॉर्म से, तो पाउडर फॉर्म में लेबर को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, और ये सिंपली आप डायरेक्ट ऐसे ही अपनी वाटर बॉडी में ऐसे डाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम अपनी सीरीज के एंड तक लेके जाएंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स कुछ कुछ क्वान्टिटी में आपके पास फॉर्म पे अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स और बिगनर्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना एक्वा कल्चर एक प्रॉफिटेबल वेंचर और प्रॉफिटेबल बिजनेस, चाहे वो कोई 1 एकड़ में कर रहा हो, चाहे 4 एकड़ में कर रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, तो बना रहे। थैंक यू।